औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है। ये चार प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आरिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010003242 9, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571703। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता एमके जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। तलवार भी फूल की माला बन जाती है उसके लिए, और शत्रु भी मित्र हो जाया करते हैं। लेकिन हम किन भावों से करें? आज तक हमारे भाव अच्छे नहीं हुए। लोग कहते माता जी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाता। आपने देखा गुटखा भी लोग खाते हैं तो गुटखा नहीं छोड़ पाता। आप कभी विचार करो, आप छिपकली खा लोगे क्या? और जो इतना नशा चढ़ता है छिपकली की पूछ डलती है। सोचो, आपको तो ऐसे ऐसी कुछ अभी देखा होगा आपने, कई बार ऐड आते कि इस चीज में ऐसे लिखा होता है, इस भाषा में समझ में नहीं आता। ऐसे ही हम लोग कह देते ये केमिकल डल रहा है, ये डल रहा है, वो डल रहा है। कितनी चीजें हैं। अपने बच्चों को भी कुरकुरे मत खिलाना, चिप्स मत खिलाना, क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी में वो तले जाते हैं। आप अपने घर में चिप्स तल कर देखो, शाम तक नरम हो जाएंगे और वो आप 10 दिन भी रखो नहीं होएंगे नरम। आप क्या चीज खा रहे हो? सब लोग कहते बाजार का अच्छा लगता है। लोग कई बार कहते माता जी ये मुँह पानी पड़ा हुआ है, नल का पानी अच्छा लगता है। नल का नहीं, नाली का है वो। आपका गिलास नाली में गिर जाए तो उसे नहीं छूते हो। और आप सोचो कि जब पाइपलाइन यहाँ से गुजरती कितनी आसपास, आप समझ गए ना, लाइनें होती हैं। और वो भी कहीं से लीक हो जाए तो सब पानी बढ़िया लग रहा है क्योंकि सब आ रहा है वही पानी। आपको पानी में, आपको खाने में, आपको आदतें सुधारना है अपने जीवन में। यही जीवन आपका मरुस्थल था, मधुबन बन जाएगा। यही ज्वालामुखी था, यही जल की धार बन जाएगा। क्योंकि आदतों को लत की तरह मत लगाओ, वरना तुम्हें लातों के लायक बना देंगे। चारुदत्त एक बार पानी पी लेता है बेस्या के घर का, लौट कर नहीं आता। एक बार पानी पी लेता है, लौट कर नहीं आता है। ऐसा ज्ञानी जो विवाह की परिभाषा नहीं जानता था, वो बेस्या के घर से लौट कर नहीं आता है। हम लोग सांझ सांझ में कहते नहीं आजकल तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं। अरे थोड़ा बहुत क्यों ले लेते हैं? हम कौन थे, क्या हो गए? हम कौन थे, क्या हो गए? आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हमारे बड़े बड़े फार्म हाउस शादी रहते, वहाँ एक नौकर रखकर हम गाय नहीं पलवा सकते। बोले माता जी कौन करेगा रे, इतने घर में नौकर रखते हो? जगह और पैसा हो तो दूध शुद्ध पीना। आजकल दूध ही सारी बीमारियों का जड़ा है, क्योंकि आप सामने भी लगवाते हो। कई बार होता वो उसमें भी मिलावट कर देते हैं। जो इंजेक्शन लगाकर दूध लगाया जाता है वो समझो जहर पी रहे हो, लेकिन फिर भी लोग जरा से आलस में उससे ज़्यादा पैसा दवाइयों में लगा दोगे। हम घर घर गौशालाएँ खुलवाएंगे। घर घर गौशाला का मतलब जिसके पास भी थोड़ी जगह हो, रखो ये सब चीज़ें। गोधन, गजधन, अस्तधन, ये सब धन थे। आजकल के पहले के धन यदि थोड़ी तकलीफ में भी आ जाए तो कुछ काम निकाल देते थे। पहले आग बुझ भी जाए, लकड़ी खत्म हो जाए तो एक दो रोटी तो सीखी जाती थी। आजकल गैस खत्म हो जाए तो जो कच्ची है वो भी पक्की होने वाली नहीं। पहले पानी सिर पर आता था, लेकिन कुआ खाली भी हो जाए तो रात को इतना भर जाता था कि गांव को पीने के लायक मिल जाए। आजकल बोरिंग बंद हो जाए तो, टंकी में सप्लाई नहीं आए तो क्या होगा? खाली बैठे रहो, बस जितना गिलास भरा उतना ही भरा रहेगा। तो ये सब हमने खोया है अपने जीवन को। और आज भी ये व्यसन अकेले शराब, जुआ, गुटखा का नहीं है। हमें जो भोगों की आदत पड़ी है ये भी महाव्यसन है, लेकिन मोही की आदत बहुत खतरनाक पड़ी है। आप समझ गए? हमारे जीवन में सब औरतें भी बोले माता जी आदत पड़ी है, इतनी चर्चा नहीं करें तो पेट का पानी नहीं पचता है। हमारे आचार्य कहते हैं आते ऐसी डालो जो तुम्हें इबादत के लायक कर दे, जो तुम्हें आराधना के योग्य बना दे। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। आप कम से कम एक आदर्श पिता बनो। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। सोचना कि हमारे आचार्यों ने भी जब नयों की बात बताई है तो कहा है कि वो शराबी के समान अपनी माता को माता भी बोलता है तो उसका प्रमाणिक नहीं। तो हमें अपने जीवन में जीवन को आदर्श बनाना है। एक व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि तुम शराब पी के आओगे तो कल घुसने नहीं दूंगी घर में। फिर उसने फोन लगाया दुकान कब खुलेगी, उसने कहा 10 बजे। और उसने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब दुकान कब खुलेगी। मालिक ने गुस्से में कहा कि मैंने तुमसे कहा ना सुबह 10 बजे, पागल हो क्या? तुमने कितनी पी रखी है जो तुम्हें होश नहीं है। उसने कहा पी तो मैंने अंदर ही हूँ, मैं दुकान के, मैं पी के गिर गया था तो दुकान बंद कर गया था। अब मैंने तो बहुत सारी बोतलें पी ली, सुबह तक तेरी दुकान साफ हो जाएगी, अब तू बता कब खुलेगी। समझ गए, हमारी हालत भी ऐसी है, हम पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा, धन का नशा, बच्चों का नशा, पुत्रेशना, पदेशना, सारी ऐसनाओं के नशे सब चढ़ाए बैठे हैं। और इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा है फिर आप घर घर के व्यसन बंद करो। एक गुटखा खाने वाला तो मुझे बहुत बहुत गंदा लगता है। हमारे संग में भी कभी कभी कोई लड़के आते ना, हम उन्हें दिन भर डांटते रहते हैं। और वैसे मैं नहीं डांटती हूँ, लेकिन दो चीज़ों पर बहुत बहुत। आपको पता है हमारे यहाँ पहले एक संगीतकार था, पहले चतुर्मास में उसने शराब पी कर अपनी हालत इतनी ख़राब कर ली, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चेगा नहीं। मेरे पास आया, बोला माता जी बच्चे छोटे हैं, 500 रुपया महीने आप दे देना, मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि मैं नहीं बचूंगा और दवाई बहुत महंगी है, मैं प्रोग्राम ही नहीं करा पाता हूँ, तो दवाई कहाँ से कराऊंगा। मैंने कहा दवाई करा दूंगी। उसका लीवर में दिक्कत हो गई थी। मैंने कहा लेकिन जीवन में तो दोबारा नहीं पिएगा और तू जिएगा अपने बच्चों के लिए। आप ध्यान रखना। उसे ऐसी छड़क लगी कि उसने उसके बाद से आज वो बहुत अच्छी सेहत है और बहुत सुखी है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अपनी मोह की मदिरा को भी कम करना और बाहर के नशों को भी कम करना। बाहर के नशे आप समझ गए, बहुत सारे नशे लोगों ने पाल रखे हैं, सिगरेट के, शराब के, जुए के, लॉटरी के, ना जाने कौन कौन से नशे आपने पाल रखे हैं। तो हमें नशा वो चढ़ाना है जो नशों को उतार दे। नशों को उतार दे का मतलब एक बार आराधना का नशा सोमा पर चढ़ा, चंदन वाला पर चढ़ा कि अपनी बेड़ियां दिखाई नहीं दी। वो आहार चर्या के समय था और सिर्फ एक मुनि का आगमन सुना था और भूल गई बेड़ियों को कि बेड़ियां हैं। बेड़ियों में भी कहने लगी नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो। और मुनि नहीं, तीर्थंकर मुनि महाराज का आगमन हो गया एक बेड़ी वालों के यहाँ। कभी आप लोग किसी से नफरत मत करना, पाप से नफरत करो, पापी से मत करो, क्योंकि पापी तो परमात्मा की शक्ति लेकर आया है। हम नमो अरिहंताणं बोलते हैं। दूसरों की दुश्मनी को नहीं नष्ट करना है, अपने अंदर के व्यसन, कसाय, पाप, इन नसों को, इन दुश्मनों को नष्ट करना है। और नमो अरिहंताणं बोलने का सार्थक अर्थ उपलब्ध करना है। तो कहते क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। तो आप लोग इंसान की तरह इंसानों से मिला करो, पशुओं की तरह मत जिया करो जो अपनी गलत धारणाओं में जीते हैं। तो आपको कहा था कि एक व्यक्ति ने शराब पी रखी थी, लोगों को दया आया, कहने लगा मेरे घर तक छोड़ दो, मैं इस नंबर पर रहता हूँ फ्लैट पे। तो लोगों ने उसे छोड़ा, लेकिन वो तो जो छोड़ने वाला था वो उतर कर आया, वो वापस नीचे गिरा मिला। दूसरी बार फिर वह मुश्किल उसे छोड़ने गया, तीसरी बार वो फिर गिरा मिला। और आप समझ गए इतने ऊपर लिफ्ट से गिरेगा तो खराब ही हालत हो जाएगी। वो तीसरी बार छोड़ने गया तो पता चला कि छोड़ने वाले जो छोड़ने जा रहा था वो भी नशे में था। तो वो वहाँ तो नहीं, लिफ्ट का जहाँ पर आप समझ गए खाली जगह थी वहाँ धक्का दे के आ जाता था, सोचता था लिफ्ट के ऊपर चढ़ा कर आए, इसलिए वो गिर जाता था बार बार। हमें भी, जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी नशे में हैं, वो हमें कहीं ना कहीं चढ़ने की बात करते हैं और गिरने के लिए धक्का दे देते हैं। तो भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। बुद्ध अंतिम दिन किसी ने उन्हें कोई जहरीला कुकुरमता बोलते हैं, उसका भोजन दे दिया, उन्हें जहर चढ़ गया। लेकिन फिर भी बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि उसका नाम मत लेना, क्योंकि उसने तो मुझे भाव से दिया था, उसके अंदर कुछ मिला था, वरना लोग देना बंद कर देंगे। तो आप लोग भी पूजा कर रहे हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नव जैन, परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिछी कमंडल, वस्त्र शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBOSHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 021200101117727, IFSC कोड PUNB 00212000। नोट, आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।